श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, हम घर में लौंग का इस्तेमाल पूजा पाठ घर को सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करने के लिए करते हैं। पूज्य गुरुजी बताते हैं कि ग्रहों की चाल को शांत करने के लिए भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। सेहत के लिहाज से बात करें तो लौंग हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। वहीं धन वृद्धि करनी हो, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए भी हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में आइए हम जानते हैं, पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर आपको काफ़ी अच्छे से लौंग के कुछ खास उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे करने से आपको संकटों से मुक्ति मिलेगी, सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आपके जीवन में राहु केतु की चाल का बुरा असर पड़ रहा है तो ऐसे में आपको प्रभाव को कम करने के लिए भी मंगलवार को लौंग का दान जरूर करना चाहिए, इससे प्रभावों से बचा जा सकता है। दोस्तों आइए हम आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्राई के बताए गए लौंग के कुछ अचूक उपायों के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें करने से व्यक्ति धन की प्राप्ति करता है और घर में सुख शांति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर आपको लाख मेहनत करने के बाद भी कोई काम पूरा नहीं होता है या फिर आपको सफलता ना मिले, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और इस दीपक में दो लौंग डाल दें और इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करके आरती करें। ऐसा लगातार 7 मंगलवार तक करने से आपको मेहनत का फल मिलेगा। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों देखिए, लाख मेहनत करने के बाद भी आपका कोई काम पूरा नहीं होता है या फिर आपको सफलता नहीं मिलती है, तो मंगलवार के दिन आप दो लौंग लेकर और एक साथ में आटे का दीपक, जिसमें आपको दो लंबी वाली बाती रखनी है, और इन्हें किसी भी हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं। वहां जाकर आप हनुमान जी के सामने दीपक को प्रज्वलित कर दें और जलते हुए दीपक में दो लौंग डाल दें। फिर आप हनुमान चालीसा की एक पावरफुल चौपाई का जप करें। चौपाई है दोस्तों, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। इस चौपाई का 21 बार लगातार जप करने से आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं और आपको हर काम में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों ये उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने से हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। दोस्तों देखिए, घर में आर्थिक तंगी रहती है तो आप माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों के साथ दो लौंग भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग 5 कौड़ियाँ बांध कर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है और घर में धन का आगमन होता है। वहीं अगर आप मेहनत करते हैं मगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, घर में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है या पारिवारिक सदस्य आपस में ही किसी ना किसी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो लौंग का यह उपाय आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। इसके लिए आप शनिवार के दिन शाम को 5 लौंग 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची को लेकर उसको जला दें। जली हुई इन चीज़ों को घर के सभी कमरों में ले जाएं और घुमा दें। इसे पूरा जल जाने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और धीरे धीरे सभी सदस्यों के प्रेम भाव बढ़ने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लाख मेहनत करने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाता या फिर बना हुआ कार्य भी एक झटके में खत्म हो जाता है, तो लौंग का यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए 21 मंगलवार तक हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का या देसी का दीपक जलाएं और एक पान के पत्ते पर दो लौंग रखकर हनुमान जी को अर्पित कर दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए अपनी समस्या के बारे में बताएं। ऐसा करने से आपके भाग्य का दरवाज़ा खुलेगा और सभी कार्य आसानी से पूरे होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने घर में धन से जुड़ी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं या आपके घर में हमेशा दरिद्रता छाई रहती है, घर में पैसों की तंगी बनी रहती है, तो आप दोस्तों मंगलवार के दिन या फिर सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको दो फूलदार लौंग लेनी है और एक तांबे का लोटा लेना है, जिसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। उस जल में आपको दो लौंग डाल देनी है, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देना है और एक
बेलपत्री आपको ले लेनी है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपको लेकर अपने घर के पास किसी भी शिव जी के मंदिर में चले जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री को चढ़ा देना है। बेलपत्री को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है, ठीक है। उसके ऊपर से आपको धीरे धीरे बिल्कुल आराम से एक लोटा जल अर्पित कर देना है। जल को अर्पित करते समय भी आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ देर के लिए शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और अपनी जो भी समस्या है उस समस्या को आपको महादेव से हाथ जोड़ के कह देना है और आपको हर काम में सफलता के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। उसके बाद दोस्तों फिर आपने जो बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ाई थी उस बेलपत्री को आपको वापस से उठाना है और आपको अपने घर पर लाकर हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने आपको अर्पित कर देना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके ऊपर हनुमान जी की और महादेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है, आपके हर काम बनने लगते हैं। साथ ही जो भी आपके ऊपर संकट आते हैं उन संकटों को हनुमान जी महाराज दूर कर देते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आपको इन उपायों को करने से हर काम में सफलता मिलती है, आपका कोई भी काम बिगड़ता नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ये उपाय अच्छे लगे हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए नए नए उपाय नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल ना भूलें।